फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आज के मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कभी भी आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है या फिर अनजान नंबर से कॉल आता है तो आप जो है उसको रिसीव कर लेते हो, लेकिन वो जो अपना नाम नहीं बताता है तो आप जो उससे परेशान हो जाते हो कि कौन है, बार बार क्यों परेशान कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में आप क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि उस ट्रिक की मदद से जब भी कोई बंदा आपके मोबाइल में फ़ोन करेगा तो उसका जो फोटो है आपके मोबाइल में अपेयर हो जाएगा। अगर वो बंदा व्हाट्सएप भी यूज़ करता है उसी नंबर से तो व्हाट्सएप भी जो है आपके मोबाइल में अपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त प्रमोद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर प्रमोद यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और जब आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे सर्च बार में टाइप करना होगा आइकॉन। तो आप जो आइकॉन भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा तो आप जो सिंपली वहीं से जाकर प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने आइकॉन सर्च किया तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन दिखता है कॉलर आईडी कॉन्टैक्ट फोन बुक एंड कॉल्स आइकॉन, तो इस एप्लीकेशन को आपको जो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं जो सिंपली ओपन कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको जो सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको जो अपना नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको जो है एक अपना नाम आपको लिख के देगा, दिस इज मी, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो है जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके मोबाइल में हैं ये फटाफट जो है एनालाइज कर देगा और आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनका फोटोज़ यहाँ पे दे देगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि किस तरह जो है हम अननोन कॉल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आप सेटिंग में जैसे जाएंगे, तीन के ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलर आईडी में दिखेगा सो कॉलर आईडी जस्ट फॉर अननोन नंबर। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ उनका ही फ़ोटो दिखे जो आपको नहीं जानते और अननोन कॉल आता है उनका ही फ़ोटो सिर्फ दिखे तो आप जो सो कॉलर आईडी जस्ट फॉर अननोन कॉलर्स, नहीं तो आप जो ऑलवेज शो कॉलर आईडी जो भी आपके पहचान वाले हैं, जो नहीं पहचान वाले हैं उनका भी कॉलर आईडी यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन चूज करके क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैं जो है होम बटन पे प्रेस करके आपको जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए। तो मैं जो यहाँ पे अभी एक कॉल कर लेता हूँ तो वो जो नंबर रहेगा तो मेरे पहचान का है तो इसलिए जो फोटो अभी आपको दिखेगा और जब भी आपका अननोन कॉल आएगा तो उसमें भी आपको फोटो दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा अननोन फोटो दिखे तो आप जो उस सेकंड ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा सेटिंग में जाके। तो यहाँ पे जो मैं कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉल आया है ये जो है मेरे पहचान का है और यहाँ पे जो है उसका फोटो भी आ चुका है। अगर आप बिजी हो और आप उस बंदे को पहचानते हो तो आप जो उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है मैसेज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे जो आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं तो उसका जो कॉलर आईडी है आपके सामने शो होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जो है मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।